ग्वालियर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बैरिया पहुंचे भाजपा के सांसद एवं भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने राहुल गांधी के यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो स्टैंड बनाया था उस स्टैंड को उन्होंने नष्ट कर दिया है। आने वाले दिनों में वह जो यात्रा संचालित कर रहे हैं उनकी जो कार्यविधि है उससे अपने आप में नष्ट हो जाएंगे। भाजपा सांसद ने कहा यह यात्रा सत्ता के लिए है, पद यात्रा यदि सत्ता के लिए होती है तो जनता उस बात को समझती है। दरअसल राहुल गांधी की जो यात्रा पहले शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, उस भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने यात्रा करने के बाद अपना स्टैंड बनाया था वो अपने उस स्टैंड को उन्होंने नष्ट कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो यात्रा संचालित कर रहे हैं उनकी जो कार्यविधि है उससे अपने आप में नष्ट हो जाएंगे। ऐसे पदयात्रा एक बहुत सामाजिक कार्य का पवित्र काम है, उस कार्य से बहुत ताकत सामाजिक कार्यकर्ता को मिलती है, लेकिन उस कार्यकर्ता में जो कार्यक्रम तय होते हैं उस कार्यक्रम को पूरा करना होता है। पदयात्रा अगर सत्ता के लिए होती है तो जनता उस बात को समझती है, और मैं समझता हूं कि यह पदयात्रा सत्ता के लिए। तो इस उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरा देश में जो प्रभाव पड़ेगा वही प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान जिसमें उन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने के सरकारी फैसले को कानून की रक्षा के लिए सरकार का कर्तव्य बताया है के सवाल पर भाजपा सांसद ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य न देश की जनता के विषय हैं और न मेरे विषय हैं। मैं क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि उन पर चर्चा न हो तो देश का कल्याण होगा। और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। स्वामी प्रसाद मौर्य न देश की जनता के विषय है न मेरे विषय, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहते हुए कहता हूँ कि उन पर चर्चा न हो तो देश का कल्याण हो। क्या कहेंगे कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उनके बयान आ रहा है राम मंदिर को लेकर? ये समाजवादी पार्टी का काम है, मेरा काम तो है नहीं। मेरा काम ये है कि अयोध्या के आंदोलन में मंदिर बनाने का संकल्प हम लोगों ने पूरा किया था। संसदीय राजनीति में जो भरोसे के संकट की मैं अभी बात कर रहा था उस भरोसे के संकट को समाप्त हुआ मोदी जी के नेतृत्व, कि हम जो कहते हैं वो करते हैं वो दिखता। पूरा अयोध्या पूरे देश में एक वातावरण सही हुआ है और एक दीपोत्सव एक पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है 22 जनवरी को, और इस तरह का बयान उनका आना समाजवादी पार्टी द्वारा कोई एक्शन ना लेना उनके ऊपर? मैं आपसे पहले ही कह दिया कि वो मेरे विषय नहीं है और देश की जनता के, प्रदेश की जनता के भी विषय न हो तो ठीक रहेगा। ये विकसित भारत यात्रा की तरह से ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, इसमें जितने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, सारे प्रधानमंत्री योजना, जितनी संचालित योजनाएं हैं सारे योजनाओं के अधिकारी आए हैं, कैंप लगा है, बाकी सभी समस्त जनता को उस योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जा रहा है तथा नगर पंचायत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास था। इस अवसर पे क्या लोगों को कंबल भी वितरण किया जा रहा है? देखिए इस अवसर कंबल भी वितरण किया जा रहा है, खेलो इंडिया के तहत कुछ बच्चों को किट भी दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड के तहत आयुष्मान कार्ड भी बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास के तहत जिस लाभार्थी को आवास आया है उसका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, तमाम प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही हैं नगर पंचायत में, माननीय SDM साहब हैं इनके नेतृत्व में सारी योजनाएं चल रही हैं। तो नगर पंचायत के विकास के लिए कुछ विकास कार्य की योजनाओं का भी जी अभी फिलहाल ही में बंधन योजना एक शासन द्वारा चलाया जा रहा है, उस योजना की स्वीकृति बहुत जल्दी मिलने वाली है तथा माननीय सांसद जी जो 5 मांगे थे उन्होंने पूरी 5 मांग स्वीकार कर लिया और वो बोले तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। कौन कौन सी प्रमुख मांगे थे जिससे लोगों को काफी राहत मिली? 10 सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय है और 30 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट है और 2-3 ओपन जिम है
और 5-6 स्थानों पर आलोक प्लांट लगाने की मांग की गई एवं टाली ट्रांसफार्मर की मांग की गई कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हमारे देश के नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि वहाँ भीड़ भाड़ से आने से बचे तो अपने घर में ही राम मंदिर का पूजा पाठ करें और अक्षत दिखाकर हर कमरे में हर जगह छींटे। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।